अमित शाह गुजरात ना प्रवासे छे, नड़ाबेट खाते तेमणे सीमा दर्शन नो भव्य शुभारंभ कराव्यो। मेरे मित्र और बनासकांठा बैंक के अध्यक्ष शंकरवाद, बनासकांठा के ही विधायक, देश के सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामनवमी एक प्रकार से चैत्र नवरात्रि की समाप्ति होती है और एक ऐसे व्यक्तित्व के जन्म का दिन भी है जिसको हजारों सालों के बाद किसी को निमंत्रण नहीं देना पड़ता, करोड़ों करोड़ों लोग अपने खर्चे से अपने घर में मनाते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जीवन में हरेक भूमिका किस प्रकार से निभानी चाहिए, आदर्श बेटे की भूमिका, आदर्श पति की भूमिका, आदर्श राजा की भूमिका, आदर्श सेनापति की भूमिका, सभी भूमिका किस प्रकार से निभानी चाहिए, इसका एक शब्द बोले बगैर अपने जीवन कवन के द्वारा सालों सालों तक, युगों युगों तक वो प्रेरणा ले इस प्रकार का जीवन जीकर गए। इसीलिए आज हमारे आराध्य है, हम सब इनको भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं और उनके जीवन के बताए हुए दर्शन पर चलने का प्रयास करते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी के माता नड़ेश्वरी के मेले में भी आज मुझे उपस्थित रहने का मौका मिला। पांच अपने इस मेले के बारे में मैं नहीं जानता था। दो दिन पहले शंकर भाई का फोन आया कि यहाँ मेला भी लगता है। मैंने कहा चलो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, तो आज मां नड़ेश्वरी के भी आशीर्वाद लेने का मेरे जीवन में मुझे सौभाग्य मिला है। मित्रों, सबसे पहले भारत की कठिन से कठिन सीमाओं की सुरक्षा करने वाले बीएसएफ के हमारे जवान जो -40 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर वाली सीमाओं पर चांद की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा लेते हैं और कई बीएसएफ के जवानों ने अपनी जान गंवाई है, वो सभी को याद कर पूरे देश की ओर से आज इस शुभ प्रसंग पर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मैं बीएसएफ के जवानों को कहना चाहता हूं कि सीमाओं के अंदर देश सुरक्षित है, देश विकास कर रहा है, देश पूरे दुनिया के मंच पर सर्वोच्च स्थान की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये सभी इसलिए हो रहा है कि आप आपके घर से दूर हजारों किलोमीटर दूर सीमा पर खड़े कर होकर एक तपते हुए रेगिस्तान में अहर्निश मां भारती की सुरक्षा में लगे। और मैं आज पूरे देश की जनता की ओर से जीवन पर्यंत कर्तव्य के नारे को चरितार्थ करने वाले बीएसएफ के छोटे से छोटे जवान से लेकर बीएसएफ के दीदी, ये सभी हमारे जवानों का संबल बढ़ाने के लिए पूरे देश की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं और आज की भूमिका को सैल्यूट भी करता हूं। हर बार जब तक देश पर आफत आई, बीएसएफ ने वीरता दिखाने में कोई कमी नहीं। एक महावीर चक्र, चार कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य और अनेक बलिदानियों की अमर गाथा बीएसएफ अपने साथ लेकर चलती है। और ये वीरता का जो अनूठा संघर्ष बीएसएफ में हुआ है उस पर पूरा देश गर्व करता है और पूरा देश आपके ही कारण आश्वस्त होकर बैठा है। मित्रों, आज मैं नड़ाबेट के लिए सीमा दर्शन वाले पर्यटन स्थल पर आया हूं। मैं मोदी जी की कल्पना को दो हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये परिकल्पना रखी और जब तक कोई यहां आकर देख नहीं कर सकता, ये बहुआयामी परिकल्पना का
कभी भी दो आयामी परिकल्पना को वो समझी नहीं। यहां पर आते हैं ये पूरा नड्डा बेट का यहां का प्रदर्शन करी और यहां से बॉर्डर तक आप जाएंगे तब जाकर मालूम पड़ेगा कि हमारे सीमा पर ही कितनी कठिन परिस्थिति में हमारी सुरक्षा का काम करते हैं। यहां पर आते हैं तो बच्चों के मन में देशभक्ति का एक जज्बा, हमारे सशस्त्र बलों के साथ जुड़ने का एक जज्बा और हमारे सीमाओं की सुरक्षा के साथ जुड़ने का एक जज्बा भी जानते हैं। यहां पर आते हैं तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और जब पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो सीमा के गांव खाली होने की जो एक बहुत बड़ी समस्या होती है वो गांव के अंदर गहरा होगा, वो गांव के अंदर लोग रहेंगे, यहां रोजगारी का निर्माण होगा और देश का विकास जो हो रहा है सीमा के अंतिम गांव तक पहुंचने की याद यहां पे बहुत अच्छी तरीके से परिकल्पित कर सकता हूं कि 10 साल के बाद ये नड़ागेट का ये सेंटर 10 साल के बाद बनासकांठा जिले के कम 5 लाख लोगों के रोजगार का केंद्र होगा। मैंने पर्यटन मंत्री जी को कहा है इसको स्कूलों के प्रवास के साथ जोड़ना चाहिए, इसकी प्रसिद्धि करनी चाहिए, छोटे बच्चे ज्यादा से ज्यादा यहां आए इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए और एक दिन का प्रवास कोई न करे मेरे बनासकांठा के अंदर कम से कम 1 लाख लोग बनासकांठा को देख ले जाए। नीतू मोदी जी ने यहां पर पर्यटकों के लिए फर्नीचर और इंटीरियर वर्क के साथ 3 आगमन प्लाजा बनाए, विश्राम स्थल बनाए, 500 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम बनाया, चेंजिंग रूम बनाए, 22 दुकानें रेस्टोरेंट बनाए, डेकोरेटिव लाइटिंग होने वाला है, सोलर ट्री और सोलर रूफटॉप, लगभग यहां का 30% बिजली सोलर बिजली है, इस प्रकार का एक आधुनिक से आधुनिक सेंटर बनाने का काम किया है। इसके अतिरिक्त डिटेलिंग वॉक, बीएसएफ बैरेक, पेयजल के और टॉयलेट ब्लॉक की सुविधा, 5,000 लोगों की जहां आप लोग बैठे हैं ये परेड ग्राउंड जहां पर हर रोज शाम को परेड भी होगी और बीएसएफ की गाथा भी सुनाई जाएगी, बच्चों को खेलने की सुविधाएं और 100 फुट ऊंचा तिरंगा आसमान को जो छू रहा है ये सभी यहां की आकर्षण के केंद्र बनेंगे। बीएसएफ की तीनों विंग समुद्री, वायु और आर्टिलरी, इसका परिचय यहां पर बीएसएफ की गैलरी में होगा। यहां पर 6 गैलरियां बनी हैं, वो हमें देश के सभी सीमाओं का परिचय कराएगी जहां जहां बीएसएफ है और गुजरात के पर्यटन के लिए भी एक गैलरी, बनासकांठा और नड़ागेट के पर्यटन के लिए भी एक गैलरी बनाई गई है। मित्रों, बॉर्डर टूरिज्म एक बहुत बड़ा स्वप्न हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है और यहां मीटिंग रिट्रीट समारोह मुझे भरोसा है कि इसके आकर्षण का केंद्र बनेगा। बॉर्डर टूरिज्म के माध्यम से बॉर्डर की सुरक्षा, बॉर्डर सीमा प्रहरियों के साथ जनता का संवाद और सीमा प्रहरियों के प्रति जनता के मन में एक आकर्षण का भाव, ये तीनों उद्देश्य इस कार्यक्रम से सफल होंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मोदी जी ने सरहदों की सुरक्षा के लिए ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। आज मैं यहां पर आप सभी को विशेष करके बनासकांठा के लोगों को बहुत बहुत हृदय से शुभकामना देता हूं क्योंकि अब बनासकांठा न केवल गुजरात के लोगों को पूरे के पूरे देखेंगे, देश भर में नड़ागेट के कारण बनासकांठा आकर्षण का केंद्र बनेगा और हमारे सरहद जिले के अंदर पर्यटन की सुविधाएं बढ़ेगी और बीएसएफ की वीरता को नजदीक से जानने का मौका देश भर के लोगों को मिलेगा। मैं तब बीएसएफ के सभी जवान जो देश की
सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, फिर से एक बार उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना चाहता हूं। बीएसएफ के भीतर पर्यटन की सुविधा बढ़ेगी और बीएसएफ की वीरता को नजदीक से जानने का मौका देशवासियों लोगों को मिलेगा। मैं तब बीएसएफ के सभी जवान जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, फिर से एक बार उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना चाहता हूं। बीएसएफ के जवान, बीएसएफ, गुजरात सरकार का पर्यटन विभाग और कलेक्टर की पूरी टीम, बनासकांठा कलेक्टर की पूरी टीम सबका, और अंत में जिन्होंने इसकी कल्पना करी है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करकर मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह। आपका आभार प्रकट करते हुए आज के विशेष कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत फिर से एक बार स्वीकार करते हैं, आपका आभार दर्शन करते हैं। बनासकांठा जिलाना नड़ाबेट खाते 125 करोड़ रूपयाना खर्चे तैयार करायेला सीमा दर्शन प्रोजेक्टन आज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहे लोकार्पण कर्यु छे। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहनी साथे साथे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल पण हाजर रह्या हता। वाघा अटारी बॉर्डरनी माफक हवे लोको अही सीमा दर्शन करी शकशे अने साथे ज बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सना जवानोनी कामगीरीथी पण वाकेफ थई शकशे। अही 40 फूटनी ऊंचाई पर तिरंगो लहेराविने प्रोजेक्टनुं लोकार्पण करवामां आव्युं। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल आजे सवारे सीमादर्शन प्रोजेक्टना लोकार्पण माटे नड़ाबेट आवी पहोंच्या हता अने अहीं 40 फूटनी ऊंचाई पर तिरंगो पण लहेराव्यो हतो अने तिरंगो लहेराव्या बाद अमित शाह द्वारा सीमादर्शन प्रोजेक्टने खुल्लो मूकवामां आव्यो हतो। अमित शाह अने मुख्यमंत्रीए नड़ेश्वर माताजीना मंदिरे पण दर्शन करीने आशीर्वाद मेळव्या हता। राष्ट्रना नागरिकोने मां भूमिनी रक्षा माटे सतत खड़े पगे रहनारा बीएसएफ जवानोनी जीवन चर्चाने पण प्रत्यक्ष अनुभववानी तक प्राप्त थाय, तेमज जवानोनी रहेणी करणी फरजो अने देशप्रेमने रूबरू निहाळी शके तेवा हेतुसर सीमादर्शन कार्यक्रमनुं आजे देशना केन्द्रीय गृहमंत्री द्वारा प्रारंभ करवामां आव्यो छे। सीमादर्शन प्रोजेक्ट अंतर्गत रूपया 125 करोड़ना खर्चे प्रवासीओ माटे तमाम प्रकारनी सुविधाओ अने विशेष आकर्षणो विकसित करवामां आव्या छे। प्रवासन विभाग द्वारा बॉर्डर टूरिज्मना विकास माटे टी जंक्शन, जीरो पॉइंट तथा टी जंक्शन थी लईने जीरो पॉइंट सुधीना रस्ता पर विविध विकास कार्यो पण करवामां आव्या छे। सीमादर्शन खाते फर्निचर अने इंटीरियर वर्कनी साथे त्रण आगमन प्लाजा विश्राम स्थळ, पार्किंग, 500 लोको माटेनी बैठक क्षमता धरावतुं ऑडिटोरियम, चेन्जिंग रूम, सोवेनियर शॉप, 22 दुकानों अने रेस्टोरेंट्स, सरहद गाथा प्रदर्शन केन्द्र अने म्यूजियम, डेकोरेटिव लाइटिंग, सोलार ट्री तेमज सोलार रूफटॉपनी सुविधाओ अहीं विकसित करवामां आवी छे अने आ उपरांत रिटेनिंग वॉल, बीएसएफ बेरेक तथा पीवाना पाणीनी सहितनी सुविधाओ पण अहीं राखवामां आवी छे।